तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या कमाल का एक यूजफुल फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे ये सैमसंग गैलेक्सी में कब आएगा। फाइनली ये आ चुका है और बहुत ही यूजफुल फीचर है। क्या ये फीचर है, कैसे यूज़ करेंगे, सब मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट है सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कमाल का फीचर बता रहा हूँ। दोस्तों फीचर ये है दोस्तों, जैसा कि आपको बता होगा दूसरे मोबाइल में या फिर आईफोन में या फिर कोई से भी अगर आप दूसरा मोबाइल चलाते हैं उसके अंदर आप कॉल इसके जैसे किसी का कॉल आता है तो उसके बैकग्राउंड में किसी की फोटो सेट कर सकते हो और वो पूरी स्क्रीन में आता है। बट सैमसंग गैलेक्सी में ऐसा नहीं होता था, वो छोटी सी फोटो दिखती थी और पूरा कॉल आपको बैकग्राउंड नॉर्मली रहता था। बट अब ये ऐसा नया फीचर आ चुका है कि आप पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल तौर पर एक फ़ोन ला के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से अब आपको यहाँ पर फोटोज़ मिलने वाली है जो कि पहले नहीं आती थी, अब फाइनली यहाँ पर ऐसा कर दिया गया है। नॉर्मल ऐसी फोटोज़ आती थी आप देख रहे होंगे, पहले कुछ ऐसी नॉर्मल फोटोज़ आती थी आप देख रहे होंगे, पहले ऐसा आता था, अब यहाँ पर फुल स्क्रीन में आने लगी है। तो इसको कैसे सेट करेंगे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में, तो उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो उसको सेट करने के लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको अपने यहाँ किसी भी कॉन्टैक्ट में चले आना है। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपको किसी भी अपने एक नंबर पर चले आना है जिस पर आपको सेट करना है। लाइक मुझे अपने नंबर पर यहाँ पर सेट आउट करना है, मैं यहाँ पर गया। यहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है एंड देन एडिट कॉल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एडिट कॉल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कॉल बैकग्राउंड वाला, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में क्लिक करना है। बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी कर लेना है। तो जोन सी भी फोटो आपको किसी की भी लगानी है, लाइक मुझे अपनी ये वाली फोटो लगानी है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, वो बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लो और सेट एज बैकग्राउंड कर देंगे, तो वही फोटो आपके बैकग्राउंड में वो अप्लाई हो जाएगी और वो आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो बहुत ही शानदार ये फीचर है, बहुत लोग इसके बारे में पूछते थे बट फाइनली आपको ये मिल गया। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, अगर पता होगी तो भी ठीक है, अगर 99% लोगों को तो नहीं पता होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पता था क्या नहीं था। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में।